हेलो जसबीर, अपने चैनल पे आपका स्वागत करती है सब बहनों का। आज हम आपके लिए एक बहुत ही सुंदर सा डिज़ाइन लेके आए हैं। ये डिज़ाइन बहुत सुंदर है और ये डिज़ाइन चार सिलाई का डिज़ाइन है। चार सिलाई में डिज़ाइन ओवर हो जाता है और इसके लिए हमने आठ आठ फंदों के हिसाब से फंदे लिए हैं। सात फंदे बीच में हैं, एक सीधा है, आठ सात बीच में एक सीधा, ऐसे आठ आठ फंदों के हिसाब से हमने फंदे डाले हैं। एक फंदा हमने आगे रखा है एक्स्ट्रा और एक लास्ट में रखा है, तो हमने 43 फंदे डाले हैं। हमारी लाइनें हैं 1 2 3 4 5, तो पांच लाइनें हैं आठ आठ फंदों के हिसाब से, और एक फंदा आगे रखा है, एक लास्ट में रखा है, तो इस हिसाब से ही हमने डिज़ाइन को बनाना है। और फोर सिलाई के बाद ये डिज़ाइन सिर्फ फोर सिलाई का है, फोर के बाद फिर दूसरे आगे नया डिज़ाइन शुरू हो जाता है। तो बहुत सिंपल है, इसको बिगनर भी बना सकते हैं। इसको आप कार्डिगन में डालिए, आप बच्चों के स्वेटर में डालिए, कैप में डालिए, बड़ों के स्वेटर में डालिए, जैकेट में, श्रग में, जिसमें भी प्रोजेक्ट में आपको ये सूट करता है वहाँ आप इस डिज़ाइन को डाल सकते हैं। डिज़ाइन बहुत ही प्यारा है। ये राइट साइड है, ये हमारी देखिए रॉन्ग साइड है। रॉन्ग साइड से भी जे, क्योंकि रॉन्ग साइड में जे उल्टी उल्टी सिलाई आती है पूरी, तो इसलिए बहुत आसान है, बिगनर इसको बड़े आसानी से बनाएंगे। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है डिज़ाइन बनकर। इसको आज हम आपको बनाना बताएंगे। हमने इसके लिए दो लाइनें बनाएंगे, एक और दो। दो लाइनों के लिए हमने फंदे लिए हैं, हम आपको बता देते हैं कितने फंदे लिए हैं। ये देखिए इसके लिए हमने 2 4 6 8 10 12 14 16 18 और 19 फंदे लिए हैं। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और 19 फंदे लिए हैं। दो लाइनें आएंगी इसकी, इस डिज़ाइन एक और दो, तो आठ आठ फंदे हैं, 16, एक बीच में 17, एक इधर 18, एक 19, एक लास्ट में और इधर लेंगे हम फंदा, तो उसी हिसाब से डिज़ाइन बनेगा। हमने क्या किया है, फंदे डाल लिए हैं। फंदे डालने के बाद हमने, ये राइट साइड है, फंदे डालने के बाद हमने एक उल्टी सिलाई बनाई है, पूरी उल्टी, फिर रॉन्ग साइड से भी पूरी उल्टी, बेस देने के लिए डिज़ाइन को। ये डिज़ाइन नहीं है, ये बेस दिया है हमने, जैसे हम कोई बॉर्डर बनाते हैं तो हम बॉर्डर नहीं बना रहे, हम वैसे बेस देकर आपको बताना, बेसिक सिलाई है, ऐसा कुछ नहीं है। अब हम डिज़ाइन की फर्स्ट सिलाई बनाएंगे, तो फर्स्ट सिलाई हम पूरी सीधी बनाएंगे, क्योंकि ये फर्स्ट सिलाई है और डिज़ाइन की सिलाई है, तो हम इसको पूरा सीधा ही बुन लेंगे। ये हमारी राइट साइड है, हमने पूरी सीधी सिलाई बुन ली है। अब हमारी रॉन्ग साइड है, रॉन्ग साइड पे भी हम पूरा रॉन्ग ही बुनेंगे, एक सीधी और एक उल्टी, दो सिलाइयाँ हम बनाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने दो सिलाइयाँ बना ली है, एक सीधी और एक उल्टी। अब हम क्या करेंगे, अब हम एक फंदा उल्टा बुनेंगे, फर्स्ट वाला फंदा उल्टा बुनेंगे, थ्रेड पीछे को करेंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे। इसके साथ हमने जाली डालनी है, लेकिन जहां हमने उल्टा फंदा बुनना है, अगर उल्टा फंदा बुनना है तो हम थ्रेड आगे करेंगे उल्टा फंदा बुनने के लिए, लेकिन जब हमने थ्रेड आगे किया तो एक बार और घुमाकर जाली डाल लेंगे और एक उल्टा बुनेंगे, फिर एक और उल्टा बुनेंगे, दो उल्टे बुन लिए। अब हम तीन फंदों का एक करेंगे, जहां हमारा फंदा बढ़ गया है, जहां हम एक फंदा कम करेंगे तो हम तीन फंदे कम करेंगे, एक फंदा एक्स्ट्रा कम हुआ है तो वो हम जहां पे बढ़ा लेंगे।
दो फंदे सिंपल बुनेंगे, दो बुन लिए। अब हम थ्रेड सीधा करेंगे, क्योंकि हमने एक बीच में सीधा फंदा बुनना है, हमने थ्रेड इधर किया है, लेकिन हमने जहाँ जाली भी डालनी है तो हम ऐसे घुमा लेंगे, जाली डाल दी। अब हम एक फंदा सीधा बुनेंगे, थ्रेड आगे करके दो फंदे उल्टे बुनने हैं, लेकिन जाली भी डालनी है तो हम फिर थ्रेड को घुमा लेंगे और दो फंदे उल्टे बुनेंगे। दो फंदे उल्टे बुने, फिर हम तीन का एक करेंगे, तीन फंदों का एक किया। आगे हमने दो फंदे बुने, फिर हमने जहाँ जाली डालनी है, जो सीधा फंदा बुनेंगे तो जाली डालनी है तो थ्रेड इधर करेंगे सीधा बुनने के लिए, लेकिन हमने एक जाली डाल दी है, जाली डाल दी और एक फंदा सीधा बुना और लास्ट वाला उल्टा बुना। आपके प्रोजेक्ट में जितने भी फंदे हैं आप बनाइए, लेकिन लास्ट में आकर आपने सीधा जाली डाल के सीधा बुन के एक उल्टा बुनना है और आपके फंदे बराबर आ जाएंगे और फर्स्ट में भी एक उल्टा बुनना है। जो हमारी रॉन्ग साइड है वो हम पूरी रॉन्ग ही बुनेंगे, ऐसे आगे करके फिर हम पूरी रॉन्ग सिलाई बनाएं, और जो जाली डाली है उसको भी बुनेंगे और पूरा उल्टी सिलाई बनाएं। ये देखिए फ्रेंड, डिज़ाइन कुछ ऐसा बन के आया है। अब हमने यही चार सिलाई जो हमने ये फोर सिलाइयाँ बुनी है, फोर सिलाई हम आगे रिपीट करेंगे। तो हम आपको बता देते हैं, हम सीधा फंदा उतार लेंगे, फिर हम पूरी सिलाई सीधी ही बुनेंगे ऐसे, क्योंकि हमने ये फर्स्ट सिलाई है तो चार चार सिलाई का डिज़ाइन है, सीधी सिलाई बुनेंगे। अब हम उल्टी सिलाई बुनेंगे, सीधी बुन ली है, प्लेन उल्टी सिलाई बुनेंगे जैसे हम बुनते हैं, क्योंकि इसीलिए हम कह रहे हैं कि जो बिगिनर हैं वो इसको बहुत ही आसानी से बना सकते हैं, पूरी उल्टी सिलाई। ये देखिए फ्रेंड, ये डिज़ाइन रेडी है और दो सिलाइयाँ सिंपल बुनी है। अब हम फिर दो सिलाइयाँ उल्टी वाला जो डिज़ाइन है वो बनाएंगे। हमारा चार सिलाई का डिज़ाइन है, दो फिर हमने बना ली है, दो डिज़ाइन की और बनेंगी। तो हम एक फंदा ऐसे ही उतार लेंगे बिना बुने, दूसरा फंदा हम सिंपल सीधा बुनेंगे। अब हम दो उल्टे बुनने हैं तो थ्रेड आगे करेंगे। अब दो उल्टे बुनने हैं लेकिन उससे पहले हमने जाली डालनी है, तो हम जाली डालकर दो उल्टे बुनेंगे, तीन का एक करेंगे, तीन का एक किया, फिर दो उल्टे बुनेंगे, थ्रेड इधर किया, सीधा बुनेंगे और जाली भी डाल लेंगे तो हम फिर ऐसे थ्रेड को घुमा लेंगे। सिंपल है, इधर थ्रेड किया, ऐसे घुमा लिया, जाली डाल दी, सीधा फंदा बुन लिया। अब उल्टा फंदा बुनना है हमने दो, तो हम जहाँ आगे हैं उल्टी सीधी तरफ ऐसे उल्टा बुनना है इसको, तो हम इसको घुमाएंगे तो जाली बन जाएगी। तो हम दो उल्टे बुनेंगे, तीन का एक करेंगे, ये हमने हर बार ऐसे ही सिलाइयाँ बनानी है। तीन का एक किया, दो उल्टे फंदे बुने, सीधा फंदा बुनना है, जाली भी डालनी है, थ्रेड इधर किया है लेकिन जाली डाल दी और सीधा बुन लिया और एक उल्टा बुन दिया। अब हम रॉन्ग साइड पे हैं, जो कि हमारी पूरी रॉन्ग आएगी। बस यही डिज़ाइन है, आप इसको ऐसे जाली वाला फंदा पीछे से लेकर बुनना है, तो आप ऐसे उल्टी सिलाई पूरी बनाएंगे और आपका डिज़ाइन बहुत सुंदर बनेगा। इसको किसी भी कलर पे डालिए। ये देखिए, ये जाली वाला फंदा है, इसको ऐसे नहीं बुनना है, ऐसे ही बुन लेना है, पीछे से ही ऐसे सिलाई डाल के बुन लिया और पूरी सिलाई ऐसे ही बनाते हुए जाना है। ये जाली वाला है क्योंकि डबल घुमाया था जहाँ। जी देखिए, आपका डिज़ाइन बनकर रेडी है, कितना सुंदर बना है राजे। आप अपने किसी भी प्रोजेक्ट पे इसको डालिए, ये बहुत सुंदर लगेगा, वाइट कलर में, लाइट कलर में, डार्क कलर में। और ये ना, ये देखिए, इधर भी सुंदर लग रहा है, रॉन्ग साइड बिल्कुल रॉन्ग है, तो जहाँ देखिए कितना सुंदर लग रहा है बनकर।
तो आप इस डिज़ाइन को बड़ी आसानी से बना सकते हैं। जब बन जाएगा बहुत सुंदर लगेगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।